एक छोटा सा विवाद L1 और L2 वालों का था। रीट एग्जाम के अभ्यर्थी जरा ध्यान दें, जो विद्यार्थी L2 के जो थे, जिन्होंने फार्म भर दिया था, इनके बीएड वालों ने L1 के अंदर जो फार्म भर दिया था, अब वो विद्यार्थी एग्जाम तो दे सकता है। अब हाईकोर्ट का फैसला है जोधपुर का, आप देख सकते हैं बीएड बीएसटीसी मामले के जोधपुर के न्यायालय में आज सुनवाई हुई है। यानी आप सबको पता है कि L1 जो होता है वो पहली से पांचवीं तक प्राथमिक होता है, और पांचवीं से आठवीं तक उच्च प्राथमिक जो होता है वो L2 का होता है, रीट थर्ड ग्रेड के अंदर। ओके, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि बीएड वाले भी L1 के अंदर फार्म भर रहे थे और भरवा दिए थे। ठीक है, भरवा दिया, पेपर भी होगा, होगा पेपर, लेकिन एक बात सुन लेना, न्यायालय ने प्रथम लेवल में बीएड डिग्री धारकों को केवल परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। सुनने ला कान खोल के बात, न्यायालय ने प्रथम लेवल में बीएड डिग्री धारकों को केवल बैठने की अनुमति दी है। वो परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन जो बीएड डिग्री धारक लेवल फर्स्ट में बैठे हैं उनके परिणाम पर न्यायालय से फाइनल फैसला आने तक रोक रहेगी। यानी रिजल्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हो ना बात को, रिजल्ट को लेकर डाउट है, क्योंकि अभी फैसला होगा, इसकी सुनवाई आगे हो रही, बीएसटीसी वालों के परिणाम पर कोई रोक नहीं रहेगी, L1 बीएसटीसी वालों का परिणाम आएगा। तो ये एक खास आपके लिए सूचना थी जो आपको देनी जरूरी थी। तो जो बीएड धारक हैं, जो बीएड वाले गुरुजी हैं, जो फार्म जिन्होंने L1 के अंदर भर दिया है, कोई बात नहीं, आप पेपर तो दे सकते हो आप, लेकिन ये काफी आपस में डाउट था और L1 वाले इतराज जता रहे थे, बिल ऐसा क्यों, ये तो बीएसटीसी वालों का हमारा कोटा होता है, इसमें क्यों ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बात कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष दोनों अर्थ तरह की जागते हैं, अपने अपने विचार यहां पर नहीं रखने हैं, नहीं कोई आपको न तो L1 वालों का ज्ञान देना है न L2 का ज्ञान देना है, आपको सिर्फ सूचना देनी थी, वो सूचना मैंने आपको दे दी है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।